नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश मिल्क हैज ए पीएच 6, ठीक है, ये कह रहा है कि जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच 6 होता है, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, ठीक है, एक्सप्लेन योर आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच 6 है, ठीक है, जब वो दही के अंदर चेंज होगा फ्रेश मिल्क, तो उसका पीएच पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, आपको आंसर बताना है इसका, ठीक है। तो जो उसका पीएच होगा, फ्रेश मिल्क का पीएच कितना है, 6, ठीक है, जब फ्रेश मिल्क से क्या बनेगी, कर्ड बनेगी, तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, पीएच क्या हो जाएगा उसका, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, जो फ्रेश मिल्क है उसको चेंज कर देगा, किसके अंदर, चेंज इनटू कर्ड के अंदर चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे कर्ड के अंदर चेंज होगा तो कर्ड के अंदर क्या होगा, एक लैक्टिक एसिड, कर्ड के अंदर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। आपको बताया कि लैक्टिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड के अंदर क्या होते हैं, एच प्लस आयन होते हैं, ठीक है, और H प्लस आयन का मतलब है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो फ्रेश मिल्क होगा जब वो कर्ड के अंदर चेंज होगा तो उसका पीएच चेंज हो जाएगा, क्यों, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो क्या करेगा, फ्रेश मिल्क से क्या करेगा, कर्ड के अंदर चेंज कर देगा, और कर्ड के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड का मतलब होता है कि उसके अंदर एच प्लस आयन होंगे, एच प्लस आयन होगा तो उसके अंदर एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। देख लेते हैं, द पीएच विल फॉल बिलो 6, पीएच 6 से कम हो जाएगा, इसका रीजन क्या है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड बनेगा और लैक्टिक एसिड किसे प्रोड्यूस होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से, ठीक है, जब मिल्क किसके अंदर चेंज होगा, कर्ड के अंदर चेंज होगा, ओके।